फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश जी 2M चैनल पे। एक नई स्कॉलरशिप आपके सामने लेके आ चुका हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में तो लग रहा है कि टाइम ज्यादा लगेगा, तो आप इन प्राइवेट स्कॉलरशिप को भर सकते हैं और अच्छी खासी अमाउंट में स्कॉलरशिप पा सकते हैं। बिल्कुल, काफी सारे बच्चे करते हैं क्या है, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भरते हैं, प्राइवेट स्कॉलरशिप भरते हैं, तब जाके उनकी स्टडी कंटिन्यू चलती है। यहाँ तक कि मैंने भी ऐसा ही किया है और दो टाइप की प्राइवेट स्कॉलरशिप और गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मैं ले चुका हूँ। एनएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। क्या एलिजिबिलिटी, क्या प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, हाउ टू अप्लाई फॉर्म, कैसे अप्लाई करें, सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। बहुत ही बेहतरीन स्कॉलरशिप है, ऑल स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को कंप्लीट देखना, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ज्योति प्रकाश स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2023-24 बड़ी फर्स्ट स्टडी की तरफ से निकाला गया है। ये इसका लिंक आपको कहाँ मिलेगा, इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो कुछ प्रकार का आपके पोस्ट आएगा फॉर न्यू स्कॉलरशिप 2023-24 जो अप्लाई नहीं किया है, तो इस पोस्ट पे आपको क्लिक करना है। डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन रहेगा लिंक को। जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे, बहुत सारी स्कॉलरशिप है, आप चाहो तो इन स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हो। मैंने पहले ही बता चुका है इनकी लास्ट डेट जाने वाली है, स्टॉविक, ONGC, वैभव और लास्ट है ज्योति प्रकाश स्कॉलरशिप प्रोग्राम। इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट लिंक आप पहुंच जाएंगे। फॉर्म कैसे अप्लाई करते हैं, इस लिंक पे आप डायरेक्टली पहुंच जाओगे। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए अब इसकी बात करते हैं, डिटेल क्या है, कौन कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, कितना क्या पैसा मिलेगा, संपूर्ण जानते हैं। तो देखो जरा, ये क्या है ज्योति प्रकाश स्कॉलरशिप प्रोग्राम, ट्रांसजेंडर। पहली तो ये स्कॉलरशिप ट्रांसजेंडर स्टूडेंट के लिए, उसके बाद स्टूडेंट विथ डिसेबिलिटी, जो बच्चे डिसेबिलिटीज हैं उनके लिए स्कॉलरशिप है, जो बच्चे फर्स्ट जनरेशन लर्नर है, जैसे लाइक टू बी, अभी इसकी सारी डिटेल मैं आपको दूंगा, वेट करिए, वीडियो कंप्लीट देखिए। ज्योति प्रकाश स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑर्फन्स एंड सिंगल पेरेंट्स है, अगर आप सिंगल पेरेंट्स के चाइल्ड चिल्ड्रन है तो भी स्कॉलरशिप आपके लिए, अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है तो भी स्कॉलरशिप आपके लिए। तो काफी सारे मल्टीपल चीजों के लिए निकाली गई स्कॉलरशिप है। अब क्या चीज है, कैसे अप्लाई करें, देखें जरा इसको कंप्लीट देख लेते हैं। स्टूडेंट विथ डिसेबिलिटीज के बारे में स्टूडेंट थोड़ा देख लेते हैं, अगर आप डिसेबिलिटी 40% से ज्यादा डिसेबिलिटी होंगे तब आप इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब है कि आपके पास 40% डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर है तो डेफिनेटली स्कॉलरशिप आपके लिए एलिजिबल है, ठीक है। आगे, जो बच्चे फर्स्ट जनरेशन लर्नर है लाइक टू, जैसे अगर इसको डिटेल क्लिक करते हैं, स्टूडेंट आर पेरेंट्स आर नॉन ग्रेजुएट, आपके पेरेंट्स नॉन ग्रेजुएट होने चाहिए, ग्रेजुएट नहीं होने चाहिए, एंड आर डेली वेज, रोज के डेली वेज अर्नर, ड्राइवर, फार्मर, गार्डनर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, सिक्योरिटी गार्ड, ETC। अगर आपके पेरेंट्स नॉन ग्रेजुएट है, ग्रेजुएशन नहीं है, डेली वेजिस काम करते हैं, ड्राइवर कर रहे हैं, फार्मर है, गार्जन गार्डनर्स है, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन है, सिक्योरिटी गार्ड्स, अगर आपके पेरेंट्स है तो ये स्कॉलरशिप आपके लिए फर्स्ट जनरेशन लर्नर स्कॉलरशिप आपके लिए रहेगा। एप्लीकेंट मस्ट बी स्टडिंग क्लास 9 to 12 ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स, अगर आप क्लास 9, 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तब भी स्कॉलरशिप आपके लिए अवेलेबल है। एप्लीकेंट मस्ट हैव सिक्योर एटलीस्ट 55% मार्क्स आपके प्रीवियस क्वालिफाई मार्क्स होने चाहिए, अगर आप क्लास 9 के लिए अप्लाई करें तो 8 क्लास मार्क्स 55 मार्क्स होने चाहिए, अगर आप क्लास 12 पास हो चुके हैं फर्स्ट ईयर अप्लाई करें तो आपकी 55 मार्क्स एटलीस्ट होने चाहिए अप्लाई करने के लिए, ठीक है। और आपकी फैमिली की इनकम 3 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्लास 9 से 12 को अमाउंट मिलने वाला है 15,000 रुपए, ग्रेजुएशन वालों को मिलने वाला 18,000 रुपए, ग्रेजुएशन जो कर लिए हैं, कर रहे हैं, परस्यू कर रहे हैं उनको 18,000 रुपए, पोस्ट ग्रेजुएशन वालों को 24,000 मिलने वाला है। जल्दी से अप्लाई कीजिए। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है बात करते हैं, देख लेते हैं एक बार। तो डॉक्यूमेंट्स की बात करें, सबसे आधार कार्ड आपका लगने वाला है, मार्कशीट और प्रीवियस क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन लगने वाला है, फैमिली इनकम प्रूफ लगने वाला है, फैमिली इनकम प्रूफ लेटेस्ट वाला दीजिएगा क्योंकि 6 महीने पुराना हो जाता है तो वैलिड नहीं रहता है, पासपोर्ट फोटोग्राफ होना चाहिए, प्रूफ ऑफ करंट एकेडमिक ईयर का आपका बोनिफाइड लेटर, स्कूल आईडी कार्ड आपका हो सकता है, ध्यान रखिएगा करंट ईयर का दीजिएगा, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी फीस शिफ्ट चलेगा, यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन आपका यहाँ पे लिखा। अब ये तो कंप्लीट बात हो गई। अब यहाँ पे सिंगल पेरेंट चाइल्ड के लिए क्या है, स्टूडेंट हु हैव लॉस्ट आइदर बोथ ऑफ देयर पेरेंट्स, अगर आपके पेरेंट लॉस्ट हो चुके हैं, मतलब जा चुके हैं, तो ये स्कॉलरशिप आपके लिए सिंगल पेरेंट चिल्ड्रन के लिए स्कॉलरशिप है, जैसा कि NSP में भी आपको दिया जाता है। तो ये प्राइवेट स्कॉलरशिप है, इसको अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको 15,000 रुपए की स्कॉलरशिप 9 से 12, और सेम प्रोसेस आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के लिए भी है स्कॉलरशिप है, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं अंडर ग्रेजुएशन के लिए भी है तब भी स्कॉलरशिप आप इसको अप्लाई कर सकते हो। पूरा चीजें यहाँ पे लिखी गई, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है, स्पोर्ट पर्सन के लिए भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड की गई है, अगर आप ट्रांसजेंडर में आते हैं तब भी स्कॉलरशिप आपके लिए 9 से 12, पोस्ट ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएशन के लिए 15 स्कॉलरशिप 9 12, और बिल्कुल सेम प्रोसेस बिल्कुल ऐसा कैसा रहने वाला है। अब बात करता हूं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका ये रहेगा कि भैया
कि शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, सबसे पहले आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर्म भरने के आधार पर, परसेंटेज के आधार पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद फिर आपका यहाँ पे इंटरव्यू का ही प्रोसेस होता है। जी हाँ, पर्सनल इंटरव्यू जो आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू किया जाता है, जिसमें आपके कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके पापा मम्मी से भी पूछे जाते हैं, ठीक है, आप आगे क्या करना चाहते हो, उसके आंसर में इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बना रखा है कि आपको आंसर कह देना चाहिए प्राइवेट स्कॉलरशिप, क्योंकि मैं खुद प्राइवेट स्कॉलरशिप ले चुका हूं एसजीएफसी की तरफ से, तो मैं आपको बेहतर बता सकता हूं कि कैसे आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसके रिगार्डिंग वीडियो बना रखा है, चैनल पे आपको प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे सारी चीजें लिखी गई है इनकम सर्टिफिकेट के बारे में, यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे डिटेल वाइज लिखी गई है। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे, अप्लाई करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, अप्लाई नाउ के ऑप्शन में जाना है, जैसा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, कंप्लीट डायल लिंक पे जाएंगे, स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है हायर एजुकेशन, पेज पे टिक रहेगा। उसका पूछा गया है आर यू पेरेंट नॉन ग्रेजुएट, एंड अगर है यस या नो, अगर आपके पेरेंट नॉन ग्रेजुएट है तो यस कीजिएगा। हैव यू सिक्योर्ड एटलीस्ट 55 मार्क्स में, यस कीजिएगा। 9 से 12 पढ़ रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं, यस। इफ यू एनुअल इनकम लेस देन, यस, ठीक है। चेक योर एजुकेशन, कंटिन्यू कर लीजिएगा। कंटिन्यू करने के बाद ये स्कॉलरशिप को आपको अप्लाई कर लेना। ध्यान रखिएगा आपके आपके पिताजी जो भी काम कर रहे हैं उसको आपको एक सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, लाइक टू सिक्योरिटी गार्ड है या ड्राइवर है, तो इसका एक प्रूफ होना चाहिए आप में कि आपके पिताजी ये काम करते हैं, तो ये आपसे प्रूफ बाद में मांगा जाएगा। हालांकि अभी ना मांगे लेकिन बाद में जरूर मांगा जाएगा, अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो कंप्लीट डिटेल को आप